started practicing typing. Yes. Bolo. आई शुड हैव आस्क्ड अदरवाइज, एक्चुअली उल्टा पूछना चाहिए मेरे को, बट ठीक है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग टाइपिंग? क्वाइट अ फ्यू. ठीक है, दोज हू हैवन स्टार्टेड येट, दिस इज अ हाई टाइम दैट यू नाउ स्टार्ट टाइपिंग, बिकॉज योर एग्जाम इज नॉट it's within 1 month only. It's not 1 month exactly, but 1.5 months समझ लेते हैं. चलो मे बी थोड़ा और ज्यादा. तो हम लोग को क्या ध्यान देना है, एक दो चीजें, देन आई स्टार्ट विथ द बेसिक्स एंड ऑल. सबसे फर्स्ट इज इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दोज हू हैवन स्टार्टेड दैट यू स्टार्ट टूडे इट सेल्फ. अदरवाइज द प्रॉब्लम दैट यू विल बी फेसिंग इज आप लोगों को क्वेश्चन आते होंगे बट आपको नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने टाइपिंग ढंग से प्रैक्टिस नहीं करा. सो दैट इज वाई इट्स इम्पॉर्टेंट. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग वाई टाइपिंग इज इम्पॉर्टेंट, टू अंडरस्टैंड दैट वेर यू आर गोइंग स्लो, इन विच चैप्टर्स, इन विच पोर्शन यू हैव टू वर्क अपॉन, वेर प्लेस वेर यू हैव टू वर्क अपॉन, एंड वॉट शुड बी द फ्लो. As in, some people feel comfortable with equation editor, some people feel comfortable with notations, some people feel comfortable by using a mix of both. So whatever is suitable to you, whatever is comfortable to you, you will understand the moment you start practicing, the moment you like start typing. After 10 15 days you realize that okay, this is my method, this is what is appropriate for me, I will do that. So वो accordingly आपको तब आएगा जब आप every day करोगे practice. ठीक है, दैट इज वन थिंग. अनदर थिंग इज द एग्जामिनर्स रिपोर्ट विच यू गेट. ठीक है, दैट इन इन एग्जामिनर्स रिपोर्ट इज जस्ट एन इंडिकेटिव सल्यूशन, इट्स नॉट अ कंप्लीट सल्यूशन. मीनिंग जो भी आपको पूरा सल्यूशन उसमें मिल रहा है, दैट इज नॉट द कंप्लीट वन. सो यू नीड टू शो मोर एंड मोर स्टेप्स. अगेन व्हेन आई से मोर एंड मोर स्टेप, दैट डज नॉट मीन कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें अननेसेसरीली बहुत सारे क्वेश्चन स्टेप्स दिखा दोगे, एंड कोई अगर नहीं आता है तो उसमें नहीं दिखाओगे एकदम से. तो वैसा नहीं करना है. यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस एंड यू नीड टू नो व्हाट आर द अप्रोप्रिएट स्टेप्स. हाउ विल यू अंडरस्टैंड? इन लाइव क्लासेस वी हैव टॉट यू. यू एक्चुअली कैन नॉट रेफर टू एग्जामिनर्स रिपोर्ट एग्जैक्टली, बिकॉज एग्जामिनर्स रिपोर्ट में वो काफी सारे स्टेप्स हटा देते हैं. आई थिंक मेजरली आप लाइव क्लासेस से ही समझोगे, एंड देन मॉक्स आप दोगे तो हम लोग मॉक चेक करके देंगे, यू विल अंडरस्टैंड. सो द स्टेप्स आर अगेन इम्पॉर्टेंट. नाउ वॉट यू कैन डू टू इम्प्रूव योर स्पीड इज वेन यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन. आपने एक लाइन लिखा एंड सपोज यू आर सॉल्विंग एन इंटीग्रेशन, तो वो इंटीग्रेशन लिखा, द नेक्स्ट लाइन विल हैव द सिमिलर इंटीग्रेशन, जिस दैट उसमें थोड़े चेंजेस होंगे. सो यू कैन यूज कॉपी पेस्ट मेथड. आप कॉपी करो उसको, आप पेस्ट करो दोबारा से, उसमें जो चेंजेस हैं वो करो, तो सो दैट आपको वो इंटीग्रेशन साइन एंड वो कुछ कुछ दोबारा दोबारा नहीं टाइप करना पड़े. राइट, सो दीज आर द थिंग्स यू कैन यूज. नाउ इन सी एस वन मोस्टली वी हैव अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल टाइपिंग. आपको ग्रीक लेटर्स यूज करने पड़ते हैं. देयर इज वन टेबल वाला चीज, आई थिंक आपका काई स्क्वायर टेस्ट, कंटिजेंसी टेस्ट, वो सब में होते हैं, एंड ई बी सी टी में भी यूजिंग इट. जी एल एम एंड लीनियर रिग्रेशन इज समथिंग अगेन जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इक्वेशन एडिटर या फिर नोटेशंस, मैथमेटिकल टाइपिंग का जरूरत पड़ता है, बट अदरवाइज ओवरऑल आई डोंट थिंक बहुत डिफिकल्ट है टू डू सी एस वन टाइपिंग. ठीक है, दैट्स द ओवरऑल जस्ट दैट आई वॉन्टेड टू गिव यू ऑल बिफोर स्टार्टिंग. नाउ आफ्टर दिस आई कैन शो यू ऑल क्विकली. Let me share my screen. हाँ, स्क्रीन विजिबल है. ठीक है, सो दिस इज अ एग्जामिनेशन हैंडबुक विच आई एफ ओ ए रिलीजेस एवरी टर्म. तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? यू हैव टू जस्ट गो हियर, यू हैव टू सर्च आई एफ ओ ए एग्जाम हैंडबुक.
एग्जाम हैंडबुक 2024 लिखना, द फर्स्ट लिंक विच यू गेट यू क्लिक ऑन दिस लिंक, ठीक है, यहाँ पे यू जस्ट स्क्रोल डाउन, दिस इज द एग्जामिनेशन हैंडबुक, आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन वन ऑफ द वीडियोज विच आई विल बी शेयरिंग लेटर ऑन, बट अभी आज के लिए वी जस्ट नीड टू केयर अबाउट दीज डिफरेंट नोटेशंस विच आर देयर, दिस इज इन पेज नंबर 30 ऑफ दिस हैंडबुक, ठीक है. So, what all different notations we can use? We can use multiplication, division, approximately equal. Multiplication, you can use the star mark, this forward slash, approximately equal, tilt sign. Now, this tilt sign we use a lot in CS1. Hum bolte hain ki Z follows standard normal. So, aap ye tilt sign kaise use karte ho? You can just write Z and then follows. This tilt sign is in your above your tab button, so you will see above the tab button normal distribution, okay, standard normal distribution, this is how you use this tilt sign. Greater than equal to, less than equal to is very easy. A proportional to B, A is proportional, you can also write prop to B. So jahan pe bhi aapko aisa lage na ki isko kaise likhenge word mein, just express it in words, like usko aap type kar do, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंबल्स इट्स बेटर कि आप उसको टाइप कर दो तो वो हो जाएगा. स्क्वायर रूट एस क्यू आर टी एंड देन इन द ब्रैकेट यू राइट वट एवर द इक्वेशंस आर, सो यू कैन राइट दिस स्क्वायर रूट के फॉर्म में. इक्वेशन एडिटर आई शो यू दीज आर द सिंबल फॉर्मैट, नोटेशन फॉर्मैट दैट यू हैव टू यूज. देर आर सम डिटेल्ड वीडियोज टूडे, आई विल बी गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन डिस्कसिंग बेसिक्स कैसे करना है, सब ओवरऑल मैं बता दूंगी. फिर देर आर अ फ्यू वीडियोज विच यू गाइज हैव टू वॉच, वी हैव शेयर्ड इट ऑन क्यू फोरम. इन द टाइम टेबल सेक्शन यू जस्ट हैव दैट येलो बॉक्स, नीचे में व्यू ऑल पे प्रेस करना तो वो टाइपिंग का वीडियोज मिल जाएगा, वहां से यू कैन डू. ए टू द पावर एक्स, एक्स आई जे कैसे लिखते हैं, एक्स आई जे यू कैन आइदर यूज दिस और दिस. आई विल प्रेफर दिस, वाई, बिकॉज इसमें आपको कम लेटर्स यूज करने पड़ते हैं एंड इट सेव्स टाइम, सो यू कैन जस्ट यू नो यू कैन जस्ट टाइप लाइक एक्स आई जे, उतना टाइम उसमें नहीं स्पेंड करना पड़ता, इट्स डन, ठीक है, बहुत ईजी है. तो एक्स आई जे हो गया. एक्सपोनेंशियल के लिए ई एक्स पी एन ब्रैकेट में आप पूरा लिख दिया. अच्छा, एक चीज और, कभी होता है ना वेन यू आर टाइपिंग तो ये ई एक्स पी जब आप लिखते हो तो वो अपने आप कैपिटल ई हो जाते हैं, सो द मोमेंट इट टर्न्स अ कैपिटल लेटर यू कैन क्लिक ऑन कंट्रोल जेड एंड वो अपने आप हट जाएगा, ठीक है, इट विल बिकम अ स्मॉल ई. एक्स बार हम लोग बहुत यूज करते हैं, यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे राइट एक्स बार. दिस एक्स टू द कैरेट सिंबल बार लिखने का जरूरत नहीं है, यू कैन यूज दिस, दिस इज अ बेटर वर्जन विच आई प्रेफर. सिमिलरली बी हैट कैन बी रिटन लाइक दिस, बी हैट. Lot of Greek symbols we are using. I'll show you one of the shortcuts in this class only. But Greek letters ke liye hum log, you can just straight away write it in words. Mu, sigma, alpha, beta, theta. Isko hum log bolte hain phi, lambda. This is eta. So eta, I think CS2 mein use hota hai, not in CS1. Rho and then delta again. So you can just spell it. For example, you can just spell it. You can write mu. ठीक है, यू कैन राइट सिग्मा इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द, और यू कैन गो टू दिस इंसर्ट ऑप्शन एंड यहाँ पे आप सिंबल्स में जाओ, यू कैन हैव सिंबल्स ओवर हियर, मोर सिंबल्स में जाके यू हैव दिस ग्रीक एंड कॉप्टिक, सिलेक्ट ग्रीक एंड कॉप्टिक एंड यू हैव ऑल द ग्रीक लेटर्स. सो वट एवर आर द मोस्ट कॉमनली यूज सिंबल्स यू कैन यूज दैट, सो दैट इट गेट्स एडेड इन द रिसेंटली यूज सिंबल्स पोर्शन. जैसे न्यू एड कर दिया, दिस न्यू एड कर दिया, ठीक है. फिर आई थिंक आप लोग कि इसमें यू यूज पाई मे बी, बीटा अल्फा यू यूज अलॉट, देन यू डेल्टा, आई थिंक डेल्टा भी करते हो यूज. सो यू कैन जस्ट कीप इट रेडी इन इन द कॉमनली यूज वंस एंड देन वेन यू गो टू द सिम्बल्स यू गेट ऑल ऑफ दिस इन द क्विक लाइक द क्विक सिम्बल्स पोर्शन, सो यू कैन जस्ट एड इट ओवर हियर, ठीक है. Another shortcut I'll show you later on. So ये हो गए ग्रीक लेटर्स सारे. इन्फिनिटी आप टाइप कर सकते हो, आई एन एफ या इन्फिनिटी आप पूरा टाइप कर सकते हो. डेरिवेटिव यू कैन टाइप लाइक यू कैन जस्ट राइट कैसे, सिंपली एफ डैश एक्स, तो सिंपली आपका ये डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल. या फिर अगर आप डी डी एक्स लिखना चाहते हो, डी वाई बाय डी एक्स,
दिस इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल कि आप क्या लिख रहे हो. इंटीग्रेशन के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का साइन अगर नहीं यूज करना चाहते, वी डोंट वॉन्ट टू यूज दिस, सो यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे यूज दिस. देयर वॉट यू डू इज यू टाइप, यू राइट आई एन टी और इंटीग्रेशन, एंड देन विद इन द फर्स्ट ब्रैकेट यू गिव द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ए टू बी एंड देन यू गिव दिस कोलन. ठीक है, दिख रहा है ये कोलन, ये वाला, ये जो कोलन है, ये कोलन के बाद जो भी वट एवर यू वॉन्ट टू राइट विद इन इंटीग्रेशन यू कैन राइट. सो आफ्टर कोलन यू हैव एफ डैश टी डी टी, एफ डैश टी 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 डी टी. ठीक है, ये आपके कोलन के अंदर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर आ गया. उसके बाद वंस यू हैव सॉल्व द इंटीग्रेशन देन यू हैव दीज थिंग्स, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल एंड देन ए से बी. सो अगेन यू राइट कोलन एंड देन फर्स्ट ब्रैकेट, सो ऑलवेज यूज द फर्स्ट ब्रैकेट फॉर द लिमिट्स. तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन, ठीक है, आप स्मॉल आई एन टी कैपिटल आई एन टी लिखो, देर इज नो इश्यू इन दैट. देन विद इन द ब्रैकेट फॉर एग्जाम्पल जीरो से इन्फिनिटी तक मेरे को करना है इंटीग्रेट, किसको करना है, एफ एक्स डी एक्स को, तो एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो गया. इफ यू वॉन्ट यू कैन कीप दिस, इफ यू वॉन्ट यू कैन कीप दिस एफ एक्स डी एक्स विद इन ब्रैकेट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. सी यू कैन कीप इट विद इन द ब्रैकेट एज वेल, देर इज नो प्रॉब्लम. सो that way you can solve this. Similarly you have summation, you have this summation symbol. Summation symbol ke liye sigma I will not suggest use writing sigma, instead aap sum likho. Same thing instead of integration you are writing sum, then within the brackets you are giving the limits. For example you can say hum log likhte hain na sum I is equal to 1 to n. तो i equals, अगेन देखो जैसे मैंने i लिखा वो कैप्स लॉक हो गया था, तो कंट्रोल सेट करने से वो चेंज हो जाता था. i goes from 1 to n, दिस इज ऑल्सो फाइन, इट्स अंडरस्टैंडेबल कि हम क्या कर रहे हैं. एंड देन फॉर एग्जाम्पल यू आर समिंग, लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x, ठीक है, i है तो कुछ i का दे देना इधर, मतलब समथिंग लाइक दैट वट एवर इट इज. तो ये आप कुछ इसमें कर रहे हो, सम इसके अंदर आपने लिख दिया. हम लिखते हैं ना समेशन आई गोस, जैसे यहाँ पे लिखो टी इज इक्वल टू ए से बी लिखा, तो आप आइदर यू कैन राइट दिस सम ए कॉमा बी म्यू टी, और जैसे यहाँ पे खाली म्यू टी है बट टी एक्स आई यू हैव मोर वेरिएबल्स, सो एग्जामिनर विल नॉट अंडरस्टैंड कि किसको सम करना है, फॉर एक्स को सम करना है, आई को सम करना है, तो उस केस में आप ऐसे स्पेसिफिकली बोल देते हो कि समिंग टी फ्रॉम लेट्स सपोज ए टू बी वट एवर, एंड किसको सम करना है, म्यू टी को. ठीक है, इफ यू आर यूजिंग सिंबल सिग्मा देन हाउ विल वी गिव द लिमिट्स. सिंबल सिग्मा अगर आप यूज कर रहे हो तो लिमिट्स देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको ऐसे ही ब्रैकेट में देना होगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिग्मा इधर नहीं आता, ग्रीक में नहीं आता, किधर आता है, आई डोंट नो कहाँ आता है, देखना पड़ेगा मुझे, सर्च करना पड़ेगा. आई थिंक उससे बेटर फिर आप इक्वेशन एडिटर यूज करो. अगर तुम्हें सिंबल वाला सिग्मा यूज करना है, आई शो यू द इक्वेशन एडिटर उसके अंदर कैसे करते हैं. ठीक है, तो यू कैन डू दैट. प्रोडक्ट, अगेन वी यूज प्रोडक्ट इन MLE, और हम प्रोडक्ट यूज कहाँ करते हैं कॉमनली, MLE में मुझे अभी तक याद आ रहा है कि बहुत ज्यादा यूज करते हो. सो अगेन प्रोडक्ट लिखा, ब्रैकेट में यू गिव द लोअर लिमिट अपर लिमिट एंड देन यू राइट दिस. ठीक है, एक्सपेक्टेशन इज एक्सपेक्टेशन एंड देन विद इन द ब्रैकेट यू राइट दिस एक्स गिवन वाई, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो. दिस लाइन यू कैन गेट पाइप ऑपरेटर, इसको हम पाइप ऑपरेटर बोलते हैं, एंड दिस इज देयर ऑन टॉप ऑफ द एंटर बटन. ठीक है, वेरिएंस हो गया, वेरिएंस ऐसे लिख दिया, कोवेरिएंस लिख दिया, काई स्क्वायर एम, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सिंबल यू कैन राइट काई स्क्वायर अंडरस्कोर एम और काई स्क्वायर विद एम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. आई थिंक दिस विल बी वेरी बिग, यू कैन यूज दिस अप्रोच. ठीक है, एन सी आर यू कैन आइदर राइट एन चूज आर विच वी डू इन आर प्रोग्रामिंग, this is what we do in our programming, or you can write in capital CR. This is also understandable ki aap yahan pe kya kar rahe ho. There is something called as subscript and superscript.
तो अगर आप होम टैब में जाओगे, दिस इज सबस्क्रिप्ट, दिस इज सबस्क्रिप्ट, दिस इज सुपरस्क्रिप्ट, तो इसका भी शॉर्टकट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंट्रोल प्लस करते हो तो वो नीचे, कंट्रोल आई थिंक प्लस करने से वो कंट्रोल जो, इट्स नॉट प्लस, इट्स एक्चुअली इक्वल टू, कंट्रोल इक्वल टू वाला जो है तो इधर आपका आर आ जाएगा. कंट्रोल शिफ्ट प्लस करोगे तो वो देखो अपने आप ये आ गया. दिस इज कंट्रोल इक्वल टू, दिस इज कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बेसिकली, तो यहाँ आपका एन आ गया. तो दिस ऑल्सो यू कैन डू, बट आई थिंक इट बहुत टीडियस प्रोसेस है. वाई डू यू वॉन्ट टू डू दिस वेन यू कैन यू डू दिस, राइट? सो इट्स बोथ आर अंडरस्टैंडेबल. देन दीज आर समथिंग विच वी डोंट यूज इन CS1, सो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस. सो ये सारे आपके हो गए तरीके नोटेशंस के. नाउ आई हैव सम यूजफुल शॉर्टकट्स फॉर यू गाइज. सो बेसिकली वी हैव कंट्रोल एस फॉर सेव. आफ्टर एवरी क्वेश्चन, आफ्टर एवरी आंसर, यू मेक श्योर यू कीप ऑन सेविंग योर वर्क. कंट्रोल जेड इज अंडू, कॉपी पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन. डिक्रीज इंक्रीज फॉन्ट इज अगेन समथिंग, मे बी आप टाइप करो, आपको कोई फॉन्ट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो आप ये वाला शॉर्टकट यूज कर सकते हो. कंट्रोल ओपन ब्रैकेट, कंट्रोल स्मॉल ब्रैकेट. आई यूज दिस शॉर्टकट. देर आर यू नो टू थ्री शॉर्टकट्स फॉर एवरी टास्क. सो हियर कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन सिंबल विल इंक्रीज द फॉन्ट, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन सिंबल विल डिक्रीज द फॉन्ट. ठीक है. सिमिलरली कंट्रोल ओपन ब्रैकेट, कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, तो ये आप यूज कर सकते हो वॉट एवर यू फील लाइक. होम एंड बिगनिंग ये सब जरूरत नहीं. कंट्रोल शिफ्ट क्यू इज वॉट आई कैन शो यू गाइज. नाउ कंट्रोल शिफ्ट क्यू से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप सिंपल टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है, आप सिंपली टाइपिंग कर रहे हो, तो यहाँ क्या हो रहा है, जब आप सिंपली टाइपिंग कर रहे हो सो इट्स इन कैलिबरी, ठीक है, बट आपको ग्रीक लेटर्स टाइप करने हैं, म्यू सिग्मा, तो आप अपना फॉन्ट कैसे चेंज करोगे, कंट्रोल शिफ्ट क्यू. द मोमेंट यू एंटर कंट्रोल शिफ्ट क्यू योर फॉन्ट चेंजेस टू सिंबल, ठीक है, योर फॉन्ट चेंजेस टू सिंबल एंड नाउ ईच लेटर इन योर कीबोर्ड इज अ ग्रीक लेटर. फॉर एग्जाम्पल म्यू के लिए यू प्रेस एम, इट्स म्यू, बट ऑटोमेटिकली इट चेंजेस टू कैलिब्री, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग बिकॉज आपको मे बी म्यू इक्वल्स टू समथिंग समथिंग लिखना था. अगेन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट क्यू, इट गोज बैक टू सिंबल. सिग्मा के लिए एस, सिग्मा स्क्वायर करना होगा तो दिस इज सिग्मा स्क्वायर. कंट्रोल शिफ्ट क्यू, अगेन इट चेंजेस टू सिंबल. और क्या हो सकता है, रो, आर इज फॉर रो. कंट्रोल शिफ्ट क्यू लैमडा के लिए एल, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट क्यू थीटा के लिए आई थिंक क्यू होता है, क्यू इज फॉर थीटा. कंट्रोल शिफ्ट क्यू, फिर सिंबल चेंज हो गया. एंड देन और क्या आप लोग यूज करते हो, और क्या यूज करते हो ग्रीक लेटर्स बताना. अल्फा अल्फा, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, बीटा, बार बार कंट्रोल शिफ्ट क्यू थोड़ा करना पड़ेगा, तो साथ साथ में टीडियस हो जाता है थोड़ा सा प्रोसेस, नहीं तो फिर अगर आप लोग वो इंसर्ट वाले चीज में जाके कर सकते हो. सो यू कैन जस्ट यू नो इन योर टाइम यू कैन जस्ट सी व्हाट लेटर्स डिनोट व्हाट, बट आई थिंक यू शुड ओनली नीड टू नो द इम्पोर्टेंट वंस, लैम्डा, म्यू, सिग्मा, डेल्टा, थीटा, बीटा, अल्फा, सिग्मा, ये बेसिक आपको थोड़े बहुत आने चाहिए, बाकी आई डोंट थिंक CS1 में वी यूज इट, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट सिंबल्स. दिस इज वन ऑफ द शॉर्टकट्स विच आई केम अक्रॉस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. वी कैन यूज दिस इजीली टू गेट द सिंबल्स, राइट? आफ्टर दिस लेट्स नाउ क्विकली गो टू द, हाँ, सो वॉट हैपन्स इज दैट वेन यू आर यूजिंग दिस वर्ड फाइल, सो यू गेट अ लॉट ऑफ रेड लाइन्स एंड ग्रीन लाइन्स फॉर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है, तो उसको अगर आपको हटाना है, यू डोंट वॉन्ट टू सी दोज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, यू गो टू दिस फाइल, मोर, ऑप्शंस, एंड यहाँ पे जाके यू कैन रिमूव दैट इन द प्रूफिंग सेक्शन. यू कैन, जैसे इस डॉक्यूमेंट में हैव ऑलरेडी हिडन स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक, इफ आई जस्ट रिमूव इट यू विल सी दोज रेड लाइन्स ग्रीन लाइन्स अगेन, बट इट गेट्स वेरी इरिटेटिंग बिकॉज ऑब्वियसली वेन यू आर राइटिंग इन MS वर्ड इट्स ऑल टाइपिंग एंड यू गेट दीज लाइन्स. सो यू कैन जस्ट गो टू द फाइल सेक्शन एंड यहाँ पे आप जाके मोर में ऑप्शन एंड
प्रूफिंग में जाके यू कैन रिमूव इट. यू कैन आइदर रिमूव इट फॉर वन डॉक्यूमेंट, बट सिंस यू विल बी वर्किंग विद अ लॉट ऑफ वर्ड फाइल्स, सो यू कैन चेंज इट टेम्पररीली. मतलब आप पूरा ये इसको हटा सकते हो अभी के लिए, ताकि एनी एक्सेल एनी वर्ड फाइल दैट यू ओपन इट विल नॉट शो यू एनी काइंड ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक व्हाट्सोएवर, एंड देन मे बी आफ्टर द एग्जाम यू कैन चेंज इट अगेन. ठीक है, ऑलराइट, दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन डू. नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद इक्वेशन एडिटर. हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग इक्वेशन एडिटर? Tell me. मतलब पूरा भी नहीं तो थोड़ा सा के लिए इक्वेशन एडिटर एंड सम पार्ट नोटेशंस, बोथ मिला जुला के. ठीक है, सो क्वाइट अ फ्यू. सो इक्वेशन एडिटर हाउ टू यूज इट, यू हैव टू क्लिक ऑन ऑल्ट इक्वल टू. द मोमेंट यू क्लिक ऑन ऑल्ट इक्वल टू, दिस इक्वेशन एडिटर ओपन्स अप. यू गेट ऑल द डिफरेंट पॉसिबल इक्वेशंस दैट यू वांट टू राइट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू गिव एन इंटीग्रेशन सिंबल. फॉर एनी सिंबल एनी थिंग यू हैव टू गिव दिस बैकवर्ड स्लैश. दिस इज ऑन टॉप ऑफ योर एंटर बटन, बैकवर्ड स्लैश. नाउ यू राइट INT एंड गिव स्पेस, तो वो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा. बट इंटीग्रेशन में यू वॉन्टेड टू गिव लोअर एंड अपर लिमिट्स, तो अब नहीं दे सकते. उसके लिए कैसे करना होता है, इंटीग्रेशन विदाउट प्रेसिंग एंटर स्पेस बटन. Because the moment you press the space button, see, the moment I press space button, it changes. So, आपको क्या करना है, without pressing the space button, अपने आप, just click on the underscore, which is beside your plus and equal to वाला button, shift करके वो underscore, let's suppose zero, caret symbol for the upper limit, infinity लिखना है. Now, again, infinity, you cannot just write infinity. इन्फिनिटी के लिए भी अलग से सिंबल है, विच इज INFTY. ठीक है, आई शो यू कि कहाँ से मिलेगा INFTY, एंड जस्ट क्लिक ऑन एंटर एंड देखो अपने आप. अच्छा, वापस से एंटर किया, इट अगेन, दो बार एंटर करना पड़ेगा एंड इट अगेन गो एंटर नहीं सॉरी स्पेस करना पड़ेगा एंड इट अगेन गोज बैक. हाँ, मतलब काव्य दे सकते हैं, यू कैन गिव, बट आई मीन बहुत बारी ना वो कभी कुछ एरर होने की वजह से वो नहीं दिखाता. ठीक है, तो बहुत बारी मुझे नहीं शो करता, आई डोंट डू दैट राइट. सो वही चीज फॉलो करो जिससे टाइम सेव हो. ठीक है, रिबेल मत बनो कभी भी इतना ज्यादा कि नहीं हम तो वैसे ही करेंगे. जस्ट ट्राई टू नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. सो ये हो गया. हाँ, आई वॉज शोइंग यू कहाँ से मिलेगा इक्वेशन. यहाँ देखो, these are the different symbols. Now each symbol has a formula. For example, I used infinity, so I used this backward INFTY. This is for infinity. ठीक है, plus minus आप कभी लिखते हो ना, जब when you are doing that confidence interval. तो अगर for example people who use equation editor, you can use it. But I prefer not to use so much of equation editor. I actually don't remember a lot of these symbols at all. Like functions a lot in equation editor, क्योंकि I don't prefer, I prefer notations. But अगर आपको convenient, जो convenient है आपको वो करना है. ठीक है, तो plus minus के लिए PM है, देखो PM, तो plus minus आ गया. ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, for example, if I say, और क्या दिखा सकती हूँ मैं, sum का समेशन आ जाता है. एंड अगर आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट देना है तो आप ऐसे दे सकते हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट अंडरस्कोर एंड ग्रेटर कैरेट सिंबल. सो यू गेट ऑल द वैल्यूज हियर. हाँ, आई वाज शोइंग यू हाउ टू डू इट विदाउट इक्वेशन एडिटर, प्लस माइनस सिंपली. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर राइटिंग दैट कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू, अब देखो क्या हुआ, वो कैपिटल एम चेंज टू कैपिटल एम, कंट्रोल जेड करो वो अपने आप स्मॉल हो जाएगा. कंट्रोल जेड, प्लस माइनस सिग्मा, यू हैड प्लस माइनस 1.96 इनटू सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन. व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू राइट लाइक दिस? नथिंग, जस्ट यू नीड टू से वेयर योर प्लस 1.96 इज कमिंग फ्रॉम. सो यू कैन से दैट 90
7.5% value from ठीक है, वैसे करके आप लिख सकते हो या क्रिटिकल वैल्यू बोल के लिख सकते हो. एंड ऑलवेज सिंस यू गाइस विल बी यूजिंग अ लॉट ऑफ टेबल बुक ऑल्सो, सो यू नीड टू ऑल्सो शो दिस. यू नीड टू कॉन्स्टेंटली राइट लाइक दिस फ्रॉम टेबल बुक पेज नंबर वट एवर. नाउ यू विल से मैम अगेन एंड अगेन वील राइट. नो, एक बार लिख दिया, कॉपी करो एंड बार बार उसको टाइप कर पेस्ट करो. जस्ट चेंज द पेज नंबर्स. ठीक है, जस्ट चेंज द पेज नंबर्स, दैट्स इट, दैट्स इट. ठीक है, 2 सेकेंड लगता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ प्लेजरिज्म मेल्स कमिंग इन. एग्जामिनर को कहाँ से समझ में आएगा आपने कहाँ से उठा के डाल दिया ये नंबर. सो यू नीड टू एक्सप्लेन दैट टू द एग्जामिनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो ये चीजें हैं. या सो नेक्स्ट इज, देखो जैसे लिमिट, ये ना बहुत डिटेल में मैंने अपने क्लास में समझाया है. वीडियो का लिंक मैंने आपको बता दिया कहाँ है, तो आप लोग एक बार रेफर करना. हर एक इक्वेशन, फॉर दोज हु वॉन्ट टू यूज इक्वेशन एडिटर कैन सी दिस. लिमिट एक्स टेंस टू, तो ये LIM करने से आ जाएगा लिमिट. देन अगेन इसके आपको नीचे लिखना है, तो अंडरस्कोर दोगे एक्स. ये जो लाइन आता है वो आता है डैश इक्वल टू करने से, तो वो मैंने अपने डिटेल में उसमें समझाया है. सो यू कैन रेफर नेक्स्ट वीक व्हेन आई कीप द क्लास अगेन, यू कैन आस्क योर डाउट्स. तो देखो ये शॉर्टकट्स है मैथमेटिकल टाइपिंग के, ऑल्ट इक्वल टू. ये मैंने खुद से पूरा प्रिपेयर किया, ये मैंने कहीं भी इंटरनेट से नहीं लिया है. हाँ, कुछ फंक्शंस एंड ऑल लिए हैं, बट प्रिपेयर मैंने खुद से किया है पूरा, जो आप लोग के लिए रेलिवेंट होगा. एक्स स्क्वायर, ये एक्स नीचे में टू हो गया. सो फॉर एग्जाम्पल अभी ये दोनों मैंने दिखा दिया था, लोअर लिमिट अपर लिमिट करके. ये हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज विद इन इक्वेशन एडिटर. ठीक है, लेफ्ट राइट एरो देना है तो कैसे करना है. ठीक है, राइट एरो ऐसे भी दे सकते हैं. सो ऑल्ट इक्वल्स टू जिसे ऐसे करके आप पूरा राइट एरो लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी दे सकते हो. माइनस एंड ग्रेटर देन सिंबल विल गिव यू राइट एरो. ठीक है, नेक्स्ट यू हैव अप एरो, डाउन एरो एंड ऑल दैट, इतना जरूरत नहीं है. दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू यूज. तो कैपिटल आर लिखोगे तो ये वाला राइट एरो आ जाएगा. प्लस माइनस मैंने दिखा दिया है. इन्फिनिटी देखो, ये इन्फिनिटी, ऑल दीज विल यू विल गेट. वो जो इक्वेशन आ रहा था ना, वहां पे सारे इक्वेशन सिंबल्स थे, वहां पे भी आपको मिल जाएंगे. सबसेट इज समथिंग विच यू यूज समटाइम्स, देयरफॉर सम, ये सारा चीज हो गया. एक्स बार के लिए देखो, एक्स बार, ठीक है, आई विल शो यू कैसे करते हैं. एक्स बार, ठीक है, एक और स्पेस दो तो वो अंदर चला जाएगा, एक्स बार. ठीक है, सिमिलरली एक्स हैट भी होता है. एक्स हैट स्पेस दो बार दो, देखो एक्स हैट. एक्स टिल्डे इज दिस, जो हम लोग स्विगल बोलते हैं ना फॉर द पॉपुलेशन वैल्यू, तो वो चीज है ये. GLM में आप लोग यूज करते हो ना, एक्स अंडर बार, ये अंडर बार है, यू बार. ठीक है, स्क्वायर रूट इज दिस सिंपली. सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन यूज. आई हैव एक्सप्लेन इन वेरी मच डिटेल इन द वीडियोज एज वेल. तो ये इक्वेशन एडिटर इज ऑल्सो समथिंग विच यू गाइज कैन यूज. यू कैन यूज अ मिक्स ऑफ इक्वेशन एडिटर एंड नॉर्मल टाइपिंग, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल विथ. राइट, ये दिखा दिया मैंने. और आई वॉन्टेड टू शो यू ऑल, देर इज अ स्पेसिमिन क्वेश्चन पेपर. कैन वी राइट इंटीग्रेशन, आपको प्रोजीत दासगुप्ता, यू डोंट हैव टू यूज द वर्ड सिंबल सिंबल सिंबल, ऐसे नहीं यूज करना. अगर इन्फिनिटी सिंबल डाल रहे हो ठीक है, वर्ड सिंबल मत यूज करो. मतलब आई डू नॉट अंडरस्टैंड वेदर यू आर यूजिंग द वर्ड सिंबल और नॉट. प्रोजीत, We cannot use the symbol. We cannot use infinity symbol here. So I was asking, like I had integration minus infinity, infinity fx, like that. यू कैन यूज द सिंबल्स. या आई मीन योर वॉट यू कैन डू इज इंटीग्रेशन. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट यू कैन, आई थिंक वॉट सिंस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी थोड़ा सेम हो जाएगा, तो INT कैपिटल्स में लिख के इन्फिनिटी कॉमा
or minus infinity, comma infinity. This is one way of doing it, and then whatever within integration you want to write, x, y, z. This is one way. Another way is instead of this, you can use the symbol. If you want, go here in the insert tab, search for the infinity symbol from here. It will be, I think, somewhere in mathematical notations, basic. I think इन्फिनिटी सिंबल आपको मैथमेटिकल में मिलेगा, नंबर्स, नंबर फॉर्म्स. नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. ठीक है, यहाँ पे यू गेट दिस इन्फिनिटी एंड यू इंसर्ट, बट आई थिंक दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सर्च फॉर इट एंड ऑल दैट. दिस इज अ इजीअर वे, और इफ यू आर यूजिंग इक्वेशन एडिटर देन इट इज समथिंग लाइक दिस. इंटीग्रेशन आई शोड यू ऑल ना, माइनस आई थिंक माइनस, एक सेकेंड, इन्फिनिटी एक सेकेंड, इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी मैं क्यों लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन माइनस ऑफ आई एन टी वाई कैरेट, क्या होता है. ठीक है, ये मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया यहाँ पे, इसीलिए नहीं आया. ठीक है, यू कैन राइट दिस, बट दिस टुक मी द लेस, लाइक दिस टुक मी द मोस्ट लीस्ट टाइम. सो इट डिपेंड्स दैट आई, एज आई मेंशन एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास, फॉर मी नोटेशंस वर्क बेटर दैन इक्वेशन एडिटर. फॉर मी द रीजन्स आर डिफरेंट बिकॉज आई कंप्लीटेड माई सी एम सी एस पेपर्स अर्ली. आई जस्ट गिव टू, आई जस्ट गिव थ्री फोर एग्जाम्स, ऑल टाइपिंग लास्ट के एग्जाम. सो आई नेवर यूज मैथमेटिकल नोटेशन सो मच, मे बी इन वन पेपर आई डिड. तो उस समय मैंने किया था प्रैक्टिस थोड़ा बहुत, बट उसके बाद नहीं किया. सो फॉर मी डिड नॉट वर्क आउट अलॉट, बट फॉर यू गाइज आई हैव सीन स्टूडेंट्स यूजिंग इक्वेशन एडिटर सो ब्यूटिफुली, मतलब एकदम अच्छे से यूज करते हैं. सो इट डिपेंड्स कि आपको क्या कंफर्टेबल है. देर आर स्टूडेंट्स हु कैन टाइप दिस इन अ फ्यू, लाइक जस्ट दिस मच, ब्लिंक ऑफ एन आई. तो आप लोग वैसे कर सकते हो अगर आपको करना है, बट आपको जो भी कंफर्टेबल है. ठीक है, एक्स ऑल, फॉर ऑल ना, फॉर ऑल नोटेशन वाला, यू कैन राइट फॉर ऑल वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल सम फॉर ऑल एक्स, ऐसा फॉर ऑल एक्स. आंचल नोटेशन यूज करना है, यहाँ पे जाके उसका नोटेशन मिल जाएगा सिंबल में, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में ही मिल जाएगा. ठीक है, यहीं पे पक्का मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में सर्च करना, मिल जाएगा फॉर ऑल. या फिर इफ यू वांट टू यूज इट फॉर विद इन द इक्वेशन एडिटर, आई हैव द लिस्ट यहाँ पे. ठीक है, इसमें से आप देख लो फॉर ऑल कहाँ मिलेगा. देखो फॉर ऑल, ठीक है फॉर ऑल, बट मे आई थिंक दिस इज वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल टू द एग्जामिनर एज वेल. नो गायत्री, सम कॉमन फॉर्मूलाज यू डोंट मेंशन द पेज नंबर. दिस स्केल्स आर नॉट देयर, यू गो टू व्यू एंड इस व्यू में रूलर है, तो ये रूलर आ जाएगा. ठीक है, ठीक है, चलो मूविंग बैक टू टाइपिंग रिलेटेड क्वेश्चंस. दीज आर द थिंग्स विच यू कैन यूज. ठीक है, नाउ देयर इज अ स्पेसिमेन विच कम, विच एक्चुअली केम इन 2020, तो ये थोड़ा पुराना है,
तो ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है अभी के सिनारियो में, बट स्टिल इट गिव्स यू अ गुड गाइड. हाउ विल यू गेट दिस? जस्ट गो एंड ऑन इंटरनेट जस्ट सर्च CS1 स्पेसिमन 2020, कुछ भी मत लिखो, ऐसे लिख दो आ जाएगा. सो पास्ट एग्जाम वाले में जाओगे जहाँ यू हैव ऑल दीज पास्ट पेपर्स ओनली, स्क्रोल डाउन, यू गेट योर CS1 स्पेसिमन. ठीक है, तो अब CS1 स्पेसिमन में यू विल सी दैट दे हैव यू नो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन लाइक हाउ विल यू शो इट इन वर्ड टाइपिंग प्रॉपरली. तो इन्होंने कुछ कुछ सितंबर या अप्रैल 2019 के क्वेश्चंस लिए हैं एंड दे हैव शोन इन टर्म्स ऑफ राइटिंग. ठीक है, सो यू कैन रेफर दिस. आई हैव ऑल्सो डिस्कस दिस इन वन ऑफ माई क्लासेस जो आप लोग को शेयर्ड है, तो आप लोग ये दिखा सकते हो. टेबल इंसर्ट करना, अगेन MCQs में आपको खाली यू जस्ट हैव टू राइट द करेक्ट आंसर, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल कंटिजेंसी टेबल यू आर मेकिंग और EBCT इफ यू आर डूइंग वहां पे, इफ यू गाइज आर मेकिंग अ टेबल, यू कैन डू इट फ्रॉम एक्सेल. सो इन एक्सेल वॉट यू कैन डू इज फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग अ कंटिजेंसी टेबल, नंबर ऑफ आवर्स, कोई एग्जाम्पल देना, काई स्क्वायर टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो यू वॉट डू यू हैव? यू हैव वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर एग्जाम्पल यू हैव ऑब्जर्व्ड values, let's suppose observed values of fx, then you have your expected values, which is first you take out maybe the probability of x, and then you have your expected whatever जो भी आप कॉलम हेडिंग्स देते हो. आई एम नॉट श्योर आप लोग एग्जैक्टली सी एस में, मुझे याद नहीं कैसे देते हो. एंड देन यू हैव जेड वैल्यूज एंड देन यू हैव योर जेड स्क्वायर वैल्यूज. तो ये आप लोग या डायरेक्टली जेड स्क्वायर निकालते हो, CS2 में हम जेड अलग से निकालते हैं. सो ये है, नाउ यू नीड टू एक्सप्लेन ना कि कहाँ से ये वैल्यूज आएंगे. सो यहाँ पे आप ऐसे कॉलम को यू कैन गिव द नेम्स टू दीज कॉलम्स एंड यू कैन सेव फ्रॉम वेयर दीज. सो ऑन टॉप ऑफ दिस टेबल मे बी वेन यू आर पेस्टिंग दिस इन वर्ड, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिख के Alt+HBA, Alt+HBA, द शॉर्टकट इज Alt+HBA. सो Alt+HBA just have to press and you, it gives you borders. Why? Because when you paste it in Word, it will give you proper borders. If you are pasting without the borders, it will not give you. So you need to explain that this E is what. So you can just say E is B minus D, or maybe small B minus D divided ka whole square divided by B. एक्सपेक्टेड करते हैं ना बी. ठीक है, तो यू कैन शो इट लाइक दिस. और यहाँ पे जब आप नंबर्स में दिखाओगे तो आप एक रो, वन रो यू कैन शो इन नंबर्स लाइक फुल टेकिंग इट आउट हाउ यू हैव डन, हाउ यू हैव कैलकुलेटेड दिस यू कैन शो हियर दैट इन टेबल अबव सी इज कैलकुलेटेड एज मे बी इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. सो यू कैन एक्सप्लेन द वर्किंग अकॉर्डिंगली. I have it in one of the documents. I'll quickly show you CS1. See, x follows binomial. This is how I wrote. This is the symbol which I inserted. It's not here. See. These things are given. Where is it? I had one table. ठीक है, what I can do is in the next class maybe I can prepare one table and show you. I had one table. Why can't I see it? ठीक है, हो सकता है I'm missing that out. But you guys can then you can do this. You can take this table, control C, and you can paste it in your document, control V. Now, two things which students ask is, do we need to put like use this destination style or source formatting? What is the difference? Now, destination formatting basically means your destination is the Word file. So, if you want to paste and use the formatting of your Word file, then you use this destination. If you want to keep the destination as the source, then you can use this. I will suggest use destination. Reason being, your font will remain the same. You cannot
have two different fonts in same word file. That's not good. So you can either do this control A and then make it an entire thing into Calibri. That also you can do. But I will suggest that you use, when you paste also, use your destination formatting and use control A and change it to Calibri. That also you can do. So, and you need to show the workings, like from where you're getting these probabilities of X. Maybe you're using Poisson. So Poisson aap kaise, Poisson ka kaun sa formula, PDF ka formula you type here. And you say that this is how you calculate the expected probabilities. And then you get expected frequency by multiplying C with the total jo bhi aapka N hai, whatever the capital N is. Theek hai? So capital N bhi kaise aayega, niche mein total karke. Now why to use Excel? Because it eases your calculation. Ab agar yehi aap calculator mein karte, it would have taken a lot of time. Calculate kya? Ek ek line, ek ek सेल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. यहाँ पे यू शो द फर्स्ट वन, जैसे इंडिविजुअली एक्स आपका यहाँ पे है 4, ये आपको गिवन है 56. प्रोबेबिलिटी आप दिखा दो, ई टू द पावर लैम्डा, लैम्डा टू द पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल. यू शो दिस इक्वल्स टू जो भी आंसर आ रहा है. एक्सपेक्टेड में दिखा दो दैट टोटल आपका जो यहाँ पे एन है दैट मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस. एंड जेड स्क्वायर में दिखा दो. फर्स्ट रो यू शो इंटायरली एंड देन यू जस्ट टाइप एंड ड्रैग. तो यहाँ पे आपको खाली पूरा फुल करना है एंड देन जस्ट सिलेक्ट कॉपी एंड पेस्ट. सो दिस यू कैन डू. ठीक है, वी कैन नो इन विदांशी इंसर्टिंग एक्सेल शीट इन वर्ड इज नॉट अलाउड. यू कैन नॉट डू दिस. आईएफओ हैज क्लियरली सेड अ नो. यू कैन यूज टाइम्स न्यू रोमन. आई प्रेफर कैलिब्री. आई डोंट लाइक टाइम्स न्यू रोमन. कैलिब्री साइज 11 और 12 यू कैन कीप. You can use Times New Roman. I prefer Calibri. You should use Calibri. It looks better. No, for MCQ, you don't have to show any workings. A, B, C, D. That's it. And make sure apna jab end mein you complete an answer, you can always just put it. Like, for example, I'll show you in this case. For example, here we completed one question. All right. We got the final answer. So here you can just give a space and write आंसर इन बोल्स. ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि समझ में आता है. टेबल को लिखना इंपॉर्टेंट है, तो ये समझ आ गया था दिस इज द फाइनल आंसर. ऐसा कुछ नहीं है 11 या 12 रखो. देयर इज नो मिनिमम मैक्सिमम ऑफ फॉन्ट साइज. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक डिटेल्स. ओवरव्यू आई हैव गिवन यू. इक्वेशन एडिटर, नोटेशंस, एक्सेल से कॉपी पेस्ट करना, basic I have given. If you have any doubts, I can take it up in the next class. What I want you to do now, you have to watch all the videos. 4 to 5 videos are there. You go to your CS1Q forum timetable, like the announcement section. There is typing videos ka playlist. Click on that, you get 4 to 5 videos. Go through it, start typing, keep all your doubts ready. Next week Thursday or Friday when we have the live class, ask all your queries. ऐसा नहीं होगा कि उसके बाद भी क्लासेस नहीं होंगे, होंगे, बट टाइपिंग की ये दो मेन क्लासेस होंगे. एंड गेट इनटू द हैबिट ऑफ टाइपिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, एनी डाउट? लेट्स डू इट टिल हियर. स्टार्ट टाइपिंग एंड व्हाटएवर यू हैव, एंड ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग एक्सेल अलॉट. इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच. वी विल मीट नेक्स्ट वीक. Yes, Lakshay, this is IFO exam, not IA.